पत्ती के ऊपर पानी डालते हैं, जैसे भक्तिमार्ग में शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर पानी डाला जाता है, वैसे तुलसी के ऊपर पानी नहीं डाला जाता है। तुलसी पार्ट किसका है? ये तुलसी का जो पार्ट है वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है, जो जगत की अम्बा है उसको देख करके बच्चे ज्ञान में आए होंगे कि पहले ही आ गए? तो ज्ञान देने वाला प्रैक्टिकल में बाप हुआ या जगदम्बा हुई? जगदम्बा को बाप ने दिया और जगदम्बा से सब बच्चों ने जन्म लिया ज्ञान में। तो जगदम्बा ने जल चढ़ाया है बच्चों के ऊपर, ज्ञान जल चढ़ाया है प्रैक्टिकल में। तो भक्ति मार्ग में बच्चे तुलसी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही जैसे लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, सूर्य के ऊपर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, ये कहाँ का रिटर्न हो रहा है? हैं? जरूर संगम युग में वो लिंग रूप में पार्ट बजाने वाला जो पत्थर बुद्धि है, जिसमें ज्योति बिंदु बाप प्रवेश करते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाने की शूटिंग ब्रह्मा कुमारी रूपी भक्तों ने की है। जब वो लिंग रूप चैतन्य में बेसिक ज्ञान में आता है तो ज्ञान जल किससे लेता है? है? छोटी माँ भक्तों की श्रेणी में है या रुद्रमाला के ज्ञानियों की श्रेणी में है? तो भक्तों ने शूटिंग की है, चैतन्य लिंग पर ज्ञान जल चढ़ाने की। तो भक्ति मार्ग में रिपीट होता है। ऐसे ही भक्त लोग सूर्य पर रोशन ज्ञान जल चढ़ा वो जल चढ़ाते हैं। वो स्थूल सूर्य है, स्थूल जल है, चढ़ाने वाले भक्त हैं। और यहाँ चैतन्य सूर्य है, चैतन्य सूर्य के ऊपर कोई ज्ञान जल चढ़ाने वाले भी हैं, जो यादगार चलती है कि शिव के ऊपर जब रोटी चढ़ाते हैं जल की तो उसमें दूध बहुत थोड़ा होता है और पानी ढेर का ढेर होता है। तो ऐसे ही बेसिक ज्ञान के भक्तों ने जब सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाले के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाया तो उसमें दूध बहुत थोड़ा था और पानी ढेर का ढेर था। तो भक्ति मार्ग में ये रिपीटेशन होता रहता है।